तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में अगर तुम देखोगे इसमें, तो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिकली अगर तुम्हें एंगल एक वेक्टर दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं वेक्टर ए है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस √2 k कैप, दिस इज द वेक्टर। अब यहाँ से तुम देखोगे कि अगर कोई वेक्टर है ये वाला, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। देर मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ ये कुछ अपना गामा एंगल बना रहा है, ठीक ना। तो ये एक्स वाई जेड के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो यही तो निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। आप पढ़े होगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, आप पढ़े होगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती है, अगर कोई वेक्टर ए है और वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको कॉस अल्फा बोलते हैं, और उसकी वैल्यू ए एक्स अपान ए होती है, और कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल होती है जो कि ए वाई अपान ए होती है, और कॉस गामा जो कि जेड एक्सिस के साथ होती है ए जेड अपान ए होती है, वेयर ए जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स ओवर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ सब कुछ अंडर रूट। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ हमें अप्लाई कर देना है। तो यहाँ आ जाओ, कॉस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 है, आई का कोफिशियंट 1 है, और इसका पूरे का अगर मैग्नीट्यूड लोगे, पूरे का मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करके, तो अगर तुम देखोगे तो 1 आएगा यहाँ, और यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ 1 1 ये 4 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, कॉस अल्फा 60 डिग्री। उसी तरह कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 1/2, तो कॉस बीटा भी कितना आ जाएगा, तो बीटा भी 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ठीक है कॉस गामा अगर देखोगे तो ये √2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो √2 cos गामा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो 60 60 45, दैट इज सी ऑप्शन सही है।